हेलो एवरी वन दिस इज़ मिस्टर फरमान खान एंड यू आर वॉचिंग अब इीटे की इनमें कहने यूट्यूब चैनल तो आज की इस लेक्चर नंबर आर एस लेक्चर नंबर सेवन में हम डिस्कस करेंगे वट इज़ पी एच चार्ट वट आर द डिफरेंट लाइन ऑन पी एच चार्ट सेचूरेशन एंड सबकूल सुपर हीट एंड क्रिटिकल पॉइंट तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाले वीडियोस की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को विज़िट कर सकते हैं जिसमें आप तमाम वीडियोस को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में वॉच कर सकते हैं तो सबसे पहले हम पी चार्ट के बारे में जानने का ट्राई करेंगे और पी चार्ट का डिफिनेशन देखते हैं इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस फिजिकल एंड थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन रेफ्रिजरेशन साइकिल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो चार्ट है जिसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज़ होने वाले वर्किंग सब्सटेंसेस की फिजिकल और थर्मोडाइनमिकल प्रॉपर्टीज को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट लाइंस डिफरेंट डायरेक्शन में ड्रा हो चुके हैं और हर एक पर्टिकुलर लाइन किसी ना किसी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो सबसे पहले हम इन लाइंस के बारे में जान लेते हैं और फिर हम भी चार्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो इस फिगर में आर वन थर्टी फोर ए का एक प्रेशर इंथेल चार्ट दिखाया गया है जिनमें एक ही चार्ट में कई सारे प्रॉपर्टीज़ को दिखाए गए हैं इस एक्स एक्सिस पर जो प्रेशर शो किया गया है वो किलो पास्कल में शो किया गया है ये टेन किलो पास्कल 101.3 किलो पास्कल, 1 के किलो पास्कल एंड 100 के किलो पास्कल। ये सारे हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं ये प्रेशर को डिनोट करते हैं जैसे कि ये वाला जो लाइन है ये ज़ीरो ये 101.3 किलो पास्कल, 1 के किलो पास्कल एंड 100 के किलो पास्कल के प्रेशर को शो करता है जबकि वाई एक्सिस पर एन्थैल्पी को डिनोट किया गया है जो कि किलो जूल पर के जी के में है अब ये जो वर्टिकली लाइंस हैं ये सारे इंथेल्पी को जाहिर करते हैं ये हंड्रेड uh, किलो जूल पर के जी टू हंड्रेड किलो जूल पर के जी थ्री हंड्रेड किलो जूल पर के जी फोर हंड्रेड किलो जूल पर के जी एंड फाइव हंड्रेड किलो जूल पर के जी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है टेम्परेचर ये जो करो आप लोगों को दिखाई दे रही है ये बेसिकली सैचुरेशन करो है ये सेचुरेशन वेपर कर रो है जबकि यहाँ से इस पॉइंट सेचुरेशन लिक्विड करो है इन दोनों लाइंस के बीच में जो लाइंस हैं ये टेम्परेचर लाइंस है टेम्परेचर लाइन ऐसे वर्टिकली फिर उसके बाद रिजेंटली इस तरह करोड़ लाइन यही टेम्परेचर लाइन शो करते हैं जैसे कि यहाँ पर माइनस टेन डिग्री सेल्सियस का ये ऐसा लाइन आता है फिर उसके बाद माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस का ये लाइन ऐसे आता है ये जो रेड कलर में इंक्लाइन लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली कॉन्स्टेंट इन की ही लाइन् हैं जैसे कि ये वाला जो लाइन है ये टू पॉइंट टेन किलो पर के का इन शो कर रहा है फिर ये टू पॉइंट फोरटीन टू पॉइंट नाइनटीन एंड टू पॉइंट ट्वेंटी टू इसके बाद ये जो लाइट ग्रीन वाले लाइंस हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम को शो करता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो टू का ये लाइन है जबकि ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव का ये वाला लाइन है सो सिमिलरली ज़ीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू तो ये सारे लाइन जो है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम के लाइन हैं ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला लाइन क्योंकि बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर में ये वाला लाइन आप देखें ये सारे लाइट ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं और इसकी जो वैल्यूज हैं वो भी ग्रीन कलर में शो किए गए हैं ये वाले लाइन्स ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन जो कि दोनों सेचुरेशन करोज़ के बीच में ऐसे वर्टिकल इंक्लाइन रखे गए हैं दोनों सेचुरेशन करोज़ के बीच का जो हिस्सा है इसको वेट रीजन भी कहा जाता है और इस पूरे रीजन को दस बराबर लाइन में डिवाइड किया गया है पहली लाइन जीरो पॉइंट वन जो कि सैचुरेशन लिक्विड लाइन के बिल्कुल करीब है और टेन परसेंट लिक्विड जबकि 90% परसेंट वेपर को शो करता है जीरो पॉइंट टू दूसरी लाइन 20% लिक्विड एंड एटी परसेंट वेपर जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फोर एंड देन जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट नाइन और यहाँ पर कंप्लीट वेपर बन जाता है ये एक दूसरा पी चार्ट है जो कि वाटर का है और इसमें हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझने का ट्राई करते हैं तो इस चार्ट में भी जो एक्स एक्सिस है इस पर प्रेशर को शो किया गया है प्रेशर जो कि पीएसआई में शो किया गया है सो so ये जो है ज़ीरो पॉइंट वन पी एस आई वन पी एस आई टेन पी एस आई फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई सिक्सटी सेवन पी एस आई हंड्रेड पी एस आई ऐसा ही वाई एक्सिस पर इन को शो किया गया है बी टी यू पर पाउंड में जीरो हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड दिस इज द सेचुरेशन टेम्परेचर करो जो कि सैचुरेशन लिक्विड और सेचुरेशन वेपर को शो करता है सो सेचुरेशन लिक्विड करो के लेफ्ट साइड पर जो रीजन है इसको सबकुल रीजन -cool कहा जाता है जबकि सैचुरेशन करोज दोनों करोज के बीच का जो हिस्सा है इसको वेट रीजन कहा जाता है जबकि सेचुरेशन लाइन के राइट right साइड पर जो रीजन है इसको सुपर हीट रीजन कहा जाता है इसके अलावा एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जो कि यहाँ इन दोनों सेचुरेशन लिक्विड और सेचुरेशन वेपर करो को आपस में मिलाता है उसको क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है तो अभी हम इन्हीं इंपॉर्टेंट टर्म्स को अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे जिसमें सेचुरेशन क्या है सबकूल -cool क्या है सुपर हीट क्या है और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है तो सबसे पहले हम सैचुरेशन को डिफाइन करते हैं द टर्म सैचुरेशन रेफर्स एज अ कंडीशन इन सबस्टांसिस फेज चेंज टैक्स प्लेस बिटवीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज एट अर किसी सब्सटेंस के सैचुरेशन कंडीशन का मतलब कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर उस पॉइंट पर पहुंच जाए जहां से ये लिक्विड टू वेपर या फिर वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर दे किसी भी प्रेशर के अंडर इस हालत को इस सब्सटेंस का सेचूरेशन कंडीशन कहा जाता है लेट सपोज की कोई सी दो पॉट है जिसमें एक पॉट में वाटर पड़ा है जिसका टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सी है और दूसरे पॉट में हमने स्टीम रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर भी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है अब मान लें कि दोनों पॉट्स के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई का ही लग रहा है अब अगर इस पॉट को आप मज़ीद हीट ऐड करेंगे तो ये सीधा यहाँ से हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाटर से हंड्रेड डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट होगा और अगर आप इस पॉट से हीट को रिमूव करना शुरू कर दोगे तो ये सीधा 100 डिग्री सेल्सियस टीम से 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा तो इन दोनों सूरतों में फेस चेंज वाक्य हो रहा है और इस कंडीशन को सैचुरेशन कंडीशन कहा जाता है नाउ वट इज सब कूल डिटर्म सबकूलिंग रेफर्स टू लिक्विड एग्जिस्टिंग एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड के सबकूल कंडीशन -cool का मतलब उस लिक्विड का वो टेम्परेचर जो कि बिलो सेचूरेशन या बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर नार्मल प्रेशर पर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है तो इसका मतलब कि नॉर्मल प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है अब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से बिलो वाटर का जो भी टेम्परेचर हो उस पर वाटर सब कूल cool कंडीशन में तस्वर होगा जैसे कि नाइन्टी नाइन डिग्री सेल्सियस या नाइनटी एट्टी सेवनटी कुछ भी हो सकता है ट दिटर्म सुपर हीटिंग टेम्परेचर ऑफ एनी सबस्टेंस एबाउ इट सैचुरेशन आर बॉय किसी सब्सटेंस के सुपर हीटिंग कंडीशन का मतलब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके सेचूरेशन या फिर बॉयलिंग पॉइंट के ऊपर चला जाए किसी भी प्रेशर के अंडर तो इस कंडीशन को उस सबस्टेंस का सुपर हीटिंग कंडीशन कहा जाता है और फिर चार्ट में ये इस सैचुरेशन वेपर पॉइंट के राइट साइड में शो किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक पॉट है और इसके अंदर कोई स्टीम हमने रखा हुआ है और इस पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 14.7 पॉइंट हो तो अब अगर इस स्टीम का को मैं हीट एड करता जाऊं और इसका टेम्परेचर अबाउ दी 100 डिग्री सेल्सियस यानी 101 या 102 या फिर 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो इस टेम्परेचर पर ये सब्सटेंस जो है ये इसका सुपर हीट कंडीशन होगा नाउ व्हाट इज़ द क्रिटिकल पॉइंट पी चार्ट में जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ये वो पॉइंट होता है जो कि सेचुरेशन लिक्विड करो और सेचुरेशन वेपर करो को आपस में मिलाते हैं इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर जबकि इस पॉइंट पर जो कारस्पॉन्डिंग प्रेशर होता है उसको क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है तो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर क्या है पहले इसको डिफाइन करते हैं द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट एंड अबाउ ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट किसी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर पॉइंट होता है जिस पर वो सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता चाहे जितना भी प्रेशर अप्लाई किया जाए जब भी किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि गैस के मोलिक्यूल के दरमिया फ़ासला कम हो जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है अब मिसाल के तौर पर अगर हमने इस पॉट के अंदर के स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना हो तो इसको हमें किसी मोवेबल डकन के ज़रिए कंप्रेस करना पड़ेगा तो कंप्रेस करने से स्टीम के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे लेकिन इसके साथ साथ कंप्रेस होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी जिससे टम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा अब अगर इसी तरह मुसलसल प्रेशर अप्लाई होता रहे और टेम्परेचर इंक्रीज होता रहे तो एक वक्त आएगा कि स्टीम का टेम्परेचर तीन डिग्री सेल्सियस या इसके ऊपर चला जाएगा तो टेम्परेचर का इस क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच कर ये स्टीम अब कभी भी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो इसी को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है अब वॉट इज क्रिटिकल प्रेशर द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज द प्रेशर रिक्वायर टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल लिक्विफाईर क्रिटिकल प्रेशर किसी सब्सटेंस का वो पॉइंट होता है जो कि किसी गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विड में तब्दील करने के लिए दरकार होता है तो आई होप गाइस कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे फिर भी अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं सो आंटिल टू नेक्स्ट वीडियो मुझे दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफिज़